Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Allah Rahman Rahim ki barkat ke saath main Fatima aapko apne Noshahi kitchen mein karti hu welcome. To aaj mere kitchen mein ban rahi hai masale wali bhindi. To uske liye jo ingredients chahiye isko note down kar lete hain. Ye mere paas bhindiyan hai jinko maine katne se pehle dho ke kush karke rakh liya. Masala mein mere paas ye teen is tarah ke bade tomato the jinko maine do ko kaat liya ek aapke samne. इसी तरह मेरे पास एक डली प्याज थी, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, एक टीस्पून हम लेंगे सिर्फ जीरे का, और मसालों में मेरे पास है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा येलो फूड कलर है, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, डेढ़ चम्मच सूखे धनिया का पाउडर और आधा चम्मच नमक का, और ये है ऑयल. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं अपनी भिंडी मसाला की रेसिपी. तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ ये लाल मिर्च सॉरी हरी मिर्ची हम अपने ब्लेंडर में डालेंगे, साथ ही मैंने जो टमाटर काट के रखे थे वो डालेंगे और इसकी पेस्ट तैयार करेंगे. रहमान रहीम ऑयल मैंने डाल दिया और हम इसमें डालेंगे अपनी भिंडी, हल्का सा फ्राई करेंगे. और ये मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची की पेस्ट तैयार की है, वो हम अपनी सॉइल में डालेंगे. साथ ही इसमें हम जीरा डालेंगे और साथ ही अपने तमाम मसाले. अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे. मसाला मेरा भून चुका, बस अब हम इसमें धनिया डालेंगे, कटी हुई अदरक डालेंगे और इसको दम पे रखेंगे. तो ये भी इसमें धनिया, अच्छे से मिक्स कर ली. अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम के आंच पे पकाएंगे, जब तक कि ऑयल ऊपर आ जाए तब तक हम इसको दम देंगे ताकि भिंडियाँ भी अच्छे से इसमें मिक्स हो. भिंडियाँ मेरी जो है पक चुकी, ऑयल ऊपर आ गया, मैंने बड़ा ही कम ऑयल इस्तेमाल किया है इसमें. अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरे धनिया की करूँगी गार्निश, हरा धनिया, और बस अब इसको करेंगे डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ हमारी भिंडी मसाला मैंने कर ली डिश आउट. तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.